हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। और आज हम आ चुके हैं बहुत ही मच अवेटेड वीडियो के साथ में, फ्रेशर्स वीडियो 2023। हमारे साथ में यहाँ पे हमारे IIT रुड़की के नए नए बच्चे फ्रेशर्स हैं, तो अभी हम इनके रेस्पॉन्सेज वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, कैसा इनको लग रहा है कैंपस में आने के बाद में। इनकी एनर्जी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रही है, तो अभी हम आज की इस वीडियो के अंदर इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे होंगे। मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के अंदर अंत तक। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। I am Ashwarya. Hi, I am Suresh Rahul. Hello, my name is Priyani Nagle. I am from Data Science and AI. Myself, Darsh Dhatte. I am Kanishka from Electrical Engineering. Myself, Priyanshu Chauhan. Hello, Anshu from Data Science and AI. Hello, I am Palak from Electronics and Communication Branch. Saurav Chaudhary and I am from Engineering Physics. Hey, I am Vivek. I am from Civil Department or main mazdoor. Namaste, main Aman Prajapati Kanpur se. मैंने सुना है कि सी टावर की जो टॉप है, तो जब बारिश होती है वहाँ पे कुछ वियर्ड शेडोज दिखते हैं। ये सुना था कि जो ओल्ड कस्तूरबा भवन है वहाँ पर कोई सुसाइड हुआ था, तो वहाँ पे अभी भी वांटेड है। और फिर उसके बाद कोई आग वाग लगी थी, तो लेकिन उस कमरे में जहाँ पे सुसाइड हुआ था वहाँ पे आग नहीं पहुँची थी, ऐसे हमारे सीनियर्स ने बताया था। ओल्ड के भी हॉन्टेड है। फुटहिल्स ऑफ हिमालया सुन के लगा था मौसम यहाँ पे ठंडा होगा, बट यहाँ पे बहुत गर्मी है। वही ओल्ड कस्तूरबा भवन बहुत हॉन्टेड है। मुझे सीनियर्स ने ये बताया कि चर्च के पीछे एक रूम है, वहाँ फांसी का फंदा अभी भी लटका हुआ है, रात को वो झूलता है फांसी का फंदा। सुना था कि जवाहर भवन के रूम में बहुत सारा धुआं निकलता है। मैंने सुना है कि चर्च के पीछे भूत और भूतनी डेट पर करते। सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, कि मैं नहीं तो कौन भी। जलवा है हमारा, पैसा ही पैसा होगा। मे बी लाइक ये दुक्का है, खत्म नहीं होता। भाई थॉमसन बिल्डिंग को देख के आहा रुक ही नहीं जाता। सिस्टम हैक कर देंगे। भवन की रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, मेरे नाइट आउट की एक्सपेक्टेशन सूख रही है। मेन बिल्डिंग को देख के बी लाइक मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। पर्सनालिटी, पहला तो उसकी हाइट 6 feet से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और पर्सनालिटी थोड़ी ठीक। वो तो एंगल और डायमेंशन पर डिपेंड करता है। वे शी टॉक, सेंस ऑफ ह्यूमर, अकाल है गर्ल्स का, बट फिर भी लुक्स ऑब्वियसली। आई गेस द आईज। डोमेन में नहीं है ये क्वेश्चन मेरे। लड़का जो है वो फर्स्ट फ्यू मीट्स में ट्राई ना मारे। शिज़ुका टाइप नहीं होनी चाहिए, गोल्ड डिगर की। ज्यादा बोलने वाली नहीं चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होनी चाहिए। भाई झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बस मुझसे लंबी नहीं होनी चाहिए, बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, सीनियर से ना पटे। चापो का मतलब चाय पकौड़ा पार्टी के लिए कहते हैं। चाय पकौड़ा सीरियस ट्रीट देते हैं फ्रेशर्स को, चाय पकौड़ा पार्टी के लिए। एंड मटका मटकी एमटेक वालों को कहते हैं मटका, और मटकी एमटेक वालियों को। डिस्को, डिसिप्लिनरी कमेटी अगर बहुत बड़ा क्राइम कर दिया तो आई गेस। फच्चा फच्ची वो फ्रेशर्स को कहते हैं, मैं अभी फच्चा हूँ। तू फच्ची है? नहीं नहीं वो उसने बोला है। सो गाँव, गाँव सुना है तुमने? नहीं, एक ने भी नहीं सुना। 1847 वाला। ओके, तो गांव इज बेसिकली जो एरिया अभी तुम जिसमें रह रहे हो ना, कोटले वाला जो पार्ट है वो गांव है। जिसको का मतलब पता है? जो पूरे टाइम यहाँ पे भी आके दिन रात पढ़ते ही रहता है बस। सीएस वाले को, सीएस वाले किसको तुम कहना चाह रहे हो? सीनियर ने यही बताया है, एमएनसी वाले चिल्ले गांड पेला। मैं सारे हॉस्टल्स को कोएड हॉस्टल बनवा दूंगा। कोएड बना दूंगा और 75% अटेंडेंस हटा दूंगा। सबसे पहले तो जेंडर इशू ठीक करेंगे, गर्ल्स का रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, और मिड टर्म एग्जाम्स हटाकर एक ही एग्जाम्स की हर 2 हफ्ते में एक ऐसा दिन रखेंगे जिस दिन कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई क्लासेस नहीं, कोई एक्टिविटी भी नहीं, मतलब पूरे दिन वेलिया मारनी। अटेंडेंस पॉलिसी हटवा दूंगा। हॉस्टल रूम्स में एसी लगवा दूंगी। मेस का खाना अच्छा करवाना है, बहुत गंदा है। एजुकेशनल टूर रेगुलरली होनी चाहिए, थोड़ा घूमने फिरने का। मेरी रूममेट हैदराबाद की है, तो वो सारा दिन तेलुगू में बातें करती रहती है। उसकी जो फ्रेंड्स को बुला लेते हैं वो भी सब तेलुगू में बात करते, तो वो मुझे काफ़ी अजीब लगता है, मुझे लेफ्ट आउट फील होता है। मेरा रूममेट तो रहता ही नहीं है, इनफैक्ट 2 दिन पहले वो अपनी बकेट और मैट्रेस भी रूम से ले गया। जो भी जोक मारता तो हंसते नहीं, हंसो यार मुझे। मेरी रूममेट की वियर्ड थिंग है कि वो रात को लाइट चला के सोती है। मेरे रूममेट को फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं कमरे में हूँ या नहीं, वो कमरे पर ताला ज़रूर लगाएगा। चाबी भूल जाती है, मैं लॉक लगाती हूँ और वो कहीं और होती है, फिर मुझे फ़ोन करती है। वो ऑल टाइम पढ़ते ही रहता है और हाँ बस, और ज़्यादा मेरे से बात नहीं करती। ये 8 बजे से पहले नहीं उठती है, नहाने के लिए 2 बजे आती है, अगर क्लास 2 बजे शुरू होती है तो। एक तो भाई बस फ़ोन चलाता रहता है, एक दिन भर मेडिटेशन करता रहता है। कि वो सबको सीनियर लगती है, जो भी मिलता है उसको सीनियर ही बोलता है। मैं तो अपने रूम ही पे नहीं रहता, बस सोने जाता हूँ।
थॉम्सो के टाइम पे एक बार भी होना चाहिए और उसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि 17 के जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आती है फिल्म में। आई गेस टेलर स्विफ्ट को बुलाया जाए, आई एम अ बिग फैन। थॉम्सो पे एक रेड कार्पेट होना चाहिए सब गर्ल्स और बॉयज के लिए, लाइक टू शो ऑफ। पूल है यहाँ पे और अगर वहाँ पे पार्टी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। दर्शन रावल को बुला दो यार फिर से एक बार, उसी को देख के आया हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल तरुण स्पीक्स इन थॉम्सो। आई विल ट्राई कि जो बुरी आदतें होती है लाइक खासकर जो नशे वशे होते हैं इनमें मैं इंडल्ज ना हूँ। कोई भी बुरी आदतें नहीं लगानी है। मैं अभी भी सब कुछ शेयर करने मतलब कोशिश करूंगी कि गुड एंड बैड एवरीथिंग जिसमें मैं आज से पहले करती आई हूँ। जो जो भी आपने बोला वो सब करूंगा। जैसे आप ही कहते हो ना चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, तो आपने मुझे रुड़की में छोड़ दिया, अब रुड़की पे छोड़ दो। मेरा प्रॉमिस ये रहेगा कि आई वुड टेक केयर ऑफ माय हेल्थ एंड आई विल यूटिलाइज माय 4 इयर्स हेयर टू द फुलेस्ट। अच्छा पैकेज लेके जाना है। हाँ नशा वशा नहीं करेंगे बस। अकेडमिक पाथ से डेविएट नहीं होना है और एंड में कुछ तो फोड़ के ही जाना है। कुछ ऐसा करना है जिससे उन्हें प्राउड फील हो। मैं चिकन की साउंड निकाल सकता हूँ। Despacito, quiero despegarte besos despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estés conmigo. Despacito. Yaad aayenge ye pal, pal. Ye hai pyaar ke pal. Chal, aa mere sang chal. चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी।